आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एग्री कमोडिटीज की, जान लेते हैं रूपा जी से कि आज एग्री कमोडिटीज का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है। रूपा जी, सबसे पहले बात करें यहाँ से कैसे सीड की, तो कैसे सीड में देख रहे हैं कि आज भी वही सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल रहा है, रेंज देखने को मिल रही है 6200 पर। आपको क्या लगता है, क्या कैसे सीड में अभी इसी रेंज में कारोबार देखने को मिलता रहेगा या फिर निचले स्तर पर सीमित दायरा देखने को मिलेगा? देखिए, अब करेक्शन के बाद अब थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है और उस वजह से थोड़ा सा पॉजिटिवनेस बन सकती है और जो लेवल है वो ऊपर जा सकता है। 6400 तक मैक्सिमम अपसाइड एक बार देखने को मिल सकता है। जैसे हमने पहले भी देखा था कि 6400 के आसपास बाजार घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, तो वही 6400 का स्तर अभी भी इंटैक्ट है कि वहां तक मैक्सिमम ये नीचे से रिकवरी के दौरान बाजार जा सकता है। जी सर, रूपा जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में हमने कल को 2800 के ऊपर ट्रेड होते हुए देखा था, आज देख रहे हैं कि 2800 के ऊपर ही ट्रेड करता नजर आ रहा है, आज 2800 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या जैसे कि कल को हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, तो क्या कल को 2900 के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे या फिर आने वाले कारोबारी सप्ताह में 2900 के लेवल्स अचीव होते नजर आ सकते हैं अगर इस कारोबारी सप्ताह 2800 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तो? देखिए, बिल्कुल टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों ही स्तरों पर जो है बिनौला खल में तेजी का ही रुझान है और अभी भी मोमेंटम पॉजिटिव ही बना हुआ है और बाजार जो है वो अपसाइड में ही जा सकता है और डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है कि 2900 का स्तर जो है वो हो सकता है आपको इसी वीक में भी देखने को मिले, क्योंकि अभी अगर आज यहाँ से बाजार तेजी पकड़ता है तो वो स्तर कल तक भी आने संभव है, क्योंकि कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन होगा और कल भी पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए 2900 से 3000 का टारगेट आपको आने वाले हो सकता है कि 10 से 15 दिनों में देखने को मिले। जी, बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि धनिया का जनवरी वायदा 8600 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी, कल को हमने मसालों में धनिया को 9000 के ऊपर ट्रेड करते देखा था, लेकिन वहाँ पे कल भी सस्टेनेबिलिटी नहीं देखने को मिली और 400 पॉइंट टूटता नजर आया है। रूपा जी, इसको क्या माना जाए, क्या कीमतें तेज होने के बावजूद भी एक सीमित दायरे में देखने को मिलेंगी या फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट लेवल भी रहेगा? देखिए, धनिये में अखिलेश अभी थोड़ा सा करेक्शन आया है क्योंकि लगातार तेजी बनती हुई देखी थी और वहां से बाजार थोड़ा सा लुढ़के हैं और अभी भी बाजार देखिए 8500 के ऊपर है और जनवरी वायदा की हम यहाँ बात करेंगे तो जनवरी वायदा अभी पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई दे सकता है और आगे तेजी बन सकती है। मुझे लगता है कि जो धनिया का जनवरी वायदा है वो ऊपर में 8800 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो आपको 9200 तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, ये सर जी देख रहे हैं कि जीरे में भी कल के मुकाबले आज कुछ हल्की सी करेक्शन है। कल को हमने जीरे को 16300 के ऊपर जाते देखा था, आज देख रहे हैं कि 16100 के लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी, सुनने में भी आया है कि जीरे के जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, हालांकि जो एक्सपोर्टर्स हैं वो बता रहे हैं कि अब दिसंबर के अंत तक यानी कि जनवरी 2022 से जीरे की जो निर्यात मांग है वो थोड़ी पिकअप होना शुरू हो जाएगी। ऐसे में आपको क्या लगता है, जीरे में अभी हाल फिलहाल में क्या लेवल्स रहेंगे और आगे क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? देखिए, जीरा 16000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है अखिलेश तभी तेजी की तरफ है, लेकिन हमने इसको पहले भी देखा है कि 16000 के ऊपर जाता है और वहां सस्टेनेबिलिटी नहीं आती, 16500 तक मैक्सिमम इसका अपसाइड है, वहां से वापिस से करेक्शन की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखाई देता है। तो अभी भी फिलहाल वही रेंज है, इसमें कोई बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं एक्सपेक्टेड नहीं है। अभी जैसे 16000 के ऊपर हम देख रहे हैं जनवरी वायदा, तो मान के चलिए कि 16500 तक की तेजी मैक्सिमम इसके अंदर अभी हाल फिलहाल में देखने को मिल सकती है। जी, ये सर जी बात करें अगर हल्दी की, तो हल्दी में देख रहे हैं कि हमने 7600 के ऊपर ट्रेड होते हुए देखी है हल्दी का दिसंबर वायदा। बात करें अप्रैल 2022 के वायदे की, तो ये देख रहे हैं 8900 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी, खबरें हैं कि हल्दी की जो पुराना स्टॉक है उसकी पूछ परख कम हो रही है, उसकी खरीदारी कम हो रही है और जो क्रॉप डैमेज हुई है दक्षिण भारत में भारी बारिश है उसका आंकड़ा लगभग 40 से 50% का निकल कर आ रहा है, लेकिन कैरी ओवर स्टॉक भी ज़्यादा है और प्रोडक्शन भी ठीक ठाक बताया जा रहा है जो नई क्रॉप आएगी और एक्सपोर्ट डिमांड है नहीं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या हल्दी में एक रेंज देखने को मिलती रहेगी और क्या ऐसी उठापटक माहौल जारी रहेगा? देखिए, हल्दी में अभी फिलहाल पॉजिटिव मोमेंटम है अखिलेश, देखिए 9000 के बेहद करीब है अप्रैल वायदा और मैंने यही बताया था कि अगर 9000 के ऊपर निकल जाता है तो आप देखेंगे 9200 से 9500 का स्तर इसमें देखने को मिल सकता है, तो फिलहाल वही रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है और जहां तक प्रोडक्शन ज्यादा है और उसी के कंपैरिजन में देखा जाए तो डिमांड भी अब आगे अच्छी खासी निकलती हुई दिखाई दे सकती है और मुझे लगता है कि अभी दिसंबर और जनवरी ये दो महीने फिलहाल हल्दी के लिए तेजी वाले रह सकते हैं। जी, ये सर जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की,
तो ग्वार गम और ग्वार सीड में आपने बताया था कि मंदी के बाद अब कुछ दिन तक गिरावट जारी रह सकती है, टेक्निकल खरीदारी रह सकती है, और वही हम देख भी रहे हैं। ग्वार गम 11,100 के ऊपर है और ग्वार सीड 6,100 के ऊपर। आपको क्या लगता है, क्या आज भी ऊपरी सर्किट लगते नजर आएंगे? क्या आज इंट्राडे में ग्वार गम ग्वार सीड और तेजी दिखाते नजर आ सकते हैं? देखिए, ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों में ही तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है और डेफिनेटली इसमें अपसाइड मोमेंटम है। गम तो अभी 12,000 तक ऊपर एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकता है जनवरी वायदा। वहीं अगर सीड की बात करें तो सीड भी 6,200 से ऊपर निकलता है तो आपको 6,350 तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों ही पॉजिटिव है, इनमें बाइंग करके चला जा सकता है। जी, यहीं से रूपा जी बात करेंगे सोयाबीन की। तो सोयाबीन के दिसंबर वादा देख रहे हैं 6,400 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है और 6,589 का हाई लगा चुका है, 1% की तेजी है। रूपा जी, सोयाबीन में हम देख रहे हैं कि बिकवाली भी देखने को मिली है, इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी गिरावट भी आई है, और वहीं से अब साउथ अमेरिका से खबर निकल के सामने आई है कि वहां पर इस बार ज्यादा बारिश देखने को मिली है, जो कि सोयाबीन की बुआई को कहीं ना कहीं सपोर्ट देती नजर आ सकती है। और अगर वो आंकड़ा अच्छा निकल जाता है तो जो ग्लोबल सप्लाईज होंगी सोयाबीन को और जो यूएस के जो एक्सपोर्ट्स होंगे उनमें कुछ सहारा मिल सकता है। ऐसे में आपको क्या लगता है, आने वाले दिनों में और अभी हाल फिलहाल में सोयाबीन का बाजार हाजिर और वायदा दोनों में कैसा देखने को मिल पाएगा? देखिए, अभी आने वाले दिनों में अगर सोयाबीन की बात करें तो पॉजिटिवनेस जो बनी थी एडिबल ऑयल पैक के अंदर, जो तेजी बनती हुई दिखाई दी थी, वो सबसे ज्यादा हमें सोयाबीन में ही आती हुई दिखाई दी थी। अगर अगर देखा जाए एडिबल ऑयल में इतना ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम नहीं बना था क्योंकि वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन कम बताया जा रहा था, और अगर अब सोइंग बढ़ती है और प्रोडक्शन अच्छा निकल कर आता है तो डेफिनेटली आगे चल के कीमतों पर दबाव बन सकता है अगर एक्सपोर्ट प्रभावित होते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्शन में कमी देखने को मिलती है और वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन कम रहता है तो डेफिनेटली इसके अंदर तेजी बनती हुई दिखाई देगी। और अभी जहां तक का सिनेरियो की बात है, अभी फिलहाल बाजार पॉजिटिव ही है, अभी कोई बहुत ज्यादा ऐसी अपडेट्स नहीं है कि बाजार जो है वो लुढ़कते हुए दिखाई देंगे। अभी सोयाबीन जो है वो जनवरी वायदा की अगर बात करें तो 6,000 से लेकर ऊपर में 6,500 तक की फिलहाल रेंज पकड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। मुझे लगता है कि 6,000 के आसपास जो है वहां पर वापस से बाइंग इंटैक्ट होती है और ऊपर में 6,500 के आसपास प्रॉफिट बुक होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये टेक्निकली एक रेंज बन चुका है, तो अभी भी फिलहाल मार्केट उसी दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है और जनवरी वायदा मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 6,500 का स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, यहीं से रूपा जी बात करें अगर मेंथा की, तो मेंथा में आपको क्या लगता है? देखिए, मेंथा के अंदर अखिलेश मुझे तेजी नहीं लगती है। मुझे लगता है अभी फिलहाल जो है वो दबाव ही रहने वाला है, छुटमुट खरीदारी बन सकती है लेकिन बहुत ज्यादा अपसाइड मोमेंटम मेंथा के अंदर मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है। देखिए, मेंथा में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एक अच्छी खासी डिमांड जो है वो पिकअप हो सकती है और एक आने वाले अभी इस मौसम में जो है वो तेजी बन सकती है, वो फिलहाल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हमने पहले भी देखा है कि मेंथा के अंदर काफी गिरावट आती हुई नजर आई है और जो लेवल्स एक्सपेक्टेड थे वो लेवल्स फिलहाल नहीं देखने को मिले हैं और अभी भी बाजार जो है एक रेंज में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और 960 जो आज लेवल जो है वो देखने को मिल रहे हैं, ये ऊपर में मैक्सिमम जो है तेजी 980 तक पकड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो 960 से लेकर अभी जो अपसाइड मोमेंटम है वो 980 है और नीचे में 920 है, तो इसी रेंज में फिलहाल मेहनता घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। 1,000 के ऊपर निकलता है तब इसमें हो सकता है टेक्निकली हम एक लंबी जो है वो बाइंग आते हुए देखें, लेकिन फिलहाल ये रेंज बाउंड है, एक सीमित दायरे में इसमें कारोबार देखने को मिल सकता है। जी, तो यानी कि कंज्यूमर साइड से जो एक्सट्रीमली वीक डिमांड है उसके तहत मेंथा की कीमतों में अभी नरमी वाला रुझान ही देखने को मिल सकता है। अभी बात करें एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट डिमांड है थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि मेंथा की कीमतों को पंख लगते नजर आए। यहीं से रूपा जी बात करें अगर कपास की, तो कॉटन में हम देख रहे हैं कि जो सप्लाईज हैं अब वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं टाइट होती नज़र आ रही है, थोड़ी कम देखने को मिल रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, इसका असर हाजिर और वायदा में कितना पड़ता नजर आ सकता है? देखिए, कपास के प्राइजेस जो है अभी देखिए बाउंस बैक फिर वापस से आना शुरू हुआ है और अभी जिस तरीके से सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है डेफिनेटली कपास के अंदर तेजी है और 31,700 का लेवल तो हम वायदा में भी आज देख रहे हैं जो कि पहले लुढ़कता हुआ नजर आया था और हम जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 32,000 तक जा सकता है और हाजिर मंडियों में 8,500-8,700 का लेवल है और ये बढ़कर 9,000-9,200 के आसपास सस्टेन होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल के लिए एक्सपेक्टेड है कि तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ जिनका सवाल लगातार मक्के को लेकर आ रहा है, सुनील जी हैं जिनका सवाल मक्के को लेकर आ रहा है कि मक्के का विश्लेषण करें।
रूपा जी, मक्के में आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से सोयाबीन की कीमतें अब कुछ मंडियों में कम होती नजर आई है, वायदा में भी हमने गिरावट आते देखी है, तो क्या पोल्ट्री अब सोयाबीन की खरीद करती रहेगी या फिर इसका ऑल्टरनेटिव के तौर पर मक्के की ओर रुख करेगी और मक्के की कीमतों में कुछ बढ़त मिलेगी? देखिए अखिलेश, कोई बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट अभी फिलहाल मक्के के ऊपर आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सोयाबीन की कीमतें भी जो है वो है एक रेंज में आ चुकी हैं, और बाजार जो है ऐसा नहीं है कि अपसाइड में ही कंटिन्यूशन में बनता जा रहा है और उसका फिर सब्स्टिट्यूट जो है वो मक्के का यूज किया जाए, ऐसा फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली इंडस्ट्री की तरफ से, पोल्ट्री इंडस्ट्री की तरफ से छुटपुट खरीदारी मक्के की भी की जा सकती है, लेकिन ऑलरेडी मक्के के प्राइसेस काफी नीचे चल रहे हैं, तो कोई बहुत ज्यादा यहाँ से फिलहाल मक्के के अंदर तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जब तक एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप नहीं होते तब तक कोई बहुत ज्यादा मक्के के अंदर अभी एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ, हो सकता है नेक्स्ट सीजन में आपको मक्के की कीमतें अच्छी देखने को मिले, क्योंकि पिछले 2-3 साल से तो हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्राइजेस के ऊपर दबाव देखने को मिल रहा है, मक्के की कीमतें लगातार प्रेशर में है, तो फिलहाल मक्के के अंदर तेजी तो बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी रूपा जी, दर्शक हैं अभित गौरी जी, जिनका सवाल गार्लिक को लेकर आ रहा है, लहसुन को लेकर आ रहा है। रूपा जी, इस बार देख रहे हैं कि लहसुन काफ़ी ज़्यादा मंदी देखने को मिल रही है लहसुन के बाज़ार में, आवकें ठीक ठाक हैं, डिमांड भी ठीक ठाक की है, लेकिन कीमतें ठीक ठाक नहीं है, कीमतों से किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है, खासकर लहसुन में। आपको क्या लगता है, क्या अभी लहसुन में सर्दियों में भी ऐसी नरमी के साथ कीमतें देखने को मिलेंगी? देखिए अभी अखिलेश, लहसुन के अंदर भी जो है जो विंटर सीजन की एक डिमांड एक्सपेक्टेड थी कि देखने को मिल सकती है और प्राइसेस के अंदर बूस्ट अप आ सकता है, वो फिलहाल अभी आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और अभी देखा जाए तो लहसुन और प्याज दोनों के ही भाव है कम है, और जिससे फार्मर्स को भी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, और अभी भी प्राइसेस जो है वो दबाव में रह सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और मुझे लगता है कि आगे चलकर जिस तरीके से अभी लहसुन का बाजार है, आगे चल के हो सकता है कि फार्मर्स का इसकी तरफ जो रुझान है वो कम होता हुआ अभी दिखाई दे, क्योंकि देखा जाए तो फार्मर्स को सही प्राइसेस इसके नहीं मिल पाते हैं, चाहे वो प्याज का किसान हो या फिर लहसुन का, उनको अपनी कॉस्ट निकालना भी कभी कई कई बार मुश्किल हो जाता है। तो मुझे ऐसे में लगता है कि अभी फिलहाल देखिए कीमतों की जहां तक बात है तो फिलहाल कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है, विंटर सीजन की एक डिमांड अगर पिकअप होती है तो छुटपुट तेजी बन सकती है, लेकिन फिलहाल लंबी तेजी लहसुन के अंदर आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आगे चलकर भी मुझे लगता है कि कीमतें जो है वो दबाव में ही रहेंगी, मतलब दबाव इतना भी नहीं है कि बाजार बहुत ज्यादा लुढ़कते हुए दिखाई देंगे, लेकिन हाँ तेजी लिमिटेड है। जी रूपा जी, दर्शक का अमित पटेल जी, जिनका सवाल चने को लेकर आ रहा है, चने में क्या करके चला जाए? देखिए चना तो अभी दबाव में ही रहेगा, मैंने पहले बहुत टाइम से मैं यही बताती आ रही हूँ कि दालों के अंदर अभी प्रेशर है, दालों में अभी फिलहाल पॉजिटिव मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है, और अभी भी आगे चलकर भी यही एक्सपेक्टेड है कि प्रेशर जो है वो बना रह सकता है। सब तरह की दाल, अरहर, तुअर, देखिए गिरावट वही बात है कि इसमें भी गिरावट बहुत ज्यादा नहीं आएगी रिटेल के अंदर, लेकिन हाँ तेजी एक्सपेक्टेड नहीं है। जो प्राइसेस अभी एट प्रेजेंट चल रहे हैं इन्हीं के आसपास बाजार घूमता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि अभी देखा जाए तो स्टॉक काफी देखने को मिल रहा है चने का, काफी जगहों पर हमने देखा है कि व्यापारियों के पास और स्टॉकिस्ट के पास भारी मात्रा में चना अवेलेबल है, और इसलिए चने की कीमतें जो है वो दबाव में है, और चने की जो बोयनी में और बाजार में दोनों में सोइंग भी इस बार बड़ी है, और इसका जो स्टॉक है वो भी मार्केट में काफी आता हुआ दिखाई दे रहा है, इस वजह से कीमतें प्रेशर के अंदर है। और देखा जाए तो दूसरी तरफ मसूर का स्टॉक अब धीरे धीरे घटा है और विदेशों के अंदर ऊंचे दाम मिलने लगे हैं मसूर के अंदर, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी ट्रेंड जो है वो नेगेटिव ही है फिलहाल दालों का, दालों में तेजी फिलहाल इन लेवल्स के ऊपर बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी, तो यानी कि दाल, चाहे दलहन, चाहे दालें हों, चाहे चना हो, चाहे डॉलर चना हो, अभी हाल फिलहाल में तेजी बनती नजर नहीं आ रही है। रूपा जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, आज के टॉपिक्स क्या रहेंगे आपकी तरफ से एग्री कम्युनिटीज के? अखिलेश देखिए, आज के टॉपिक की बात करें तो एज यूजुअल बिनोला खल हमारा हमेशा ही फेवरेट कमोडिटी रही है, और बिनोला खल जो है आज भी पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और बिनोला खल के साथ साथ आज ग्वार में भी तेजी बन सकती है। मुझे लगता है ग्वार भी 2.5 से 3% का उछाल दिखा सकता है, और जो आपका जनवरी वायदा है वो 6200 के ऊपर निकल सकता है। वहीं गम की बात करें तो गम भी आज 11400 से 11500 रुपए तक ऊपर जा सकता है, तो ग्वार और बिनोला खल ये दो कमोडिटी ऐसी हो सकती है आज जो आज अच्छा मुनाफा देती हुई दिखाई दे सकती है। जी
बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि ग्वार और बिनौला खल ये दो कम्युनिटीज़ हैं जिनमें आज आप इंटरडे में ख़रीदारी में रह सकते हैं, और ये दो कम्युनिटीज़ रूपा जी के अनुसार आगे भी अभी कुछ और तेज़ी बनाती दिखाती नज़र आ सकती हैं। तो फिलहाल सिलसिला बाजार का अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना हुआ है मार्केट एमसीबी पर।